नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कन्याकुमारी से सितंबर में स्टार्ट हुई भारत जोड़ो यात्रा कल 100 दिन पूरे करने जा रही है। राजस्थान में आज यात्रा का 11वां दिन है। दौसा में चल रही यात्रा में आज राहुल चाचा लव यू के नारे लगे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल अलग अलग वर्गों और संगठनों से मिल रहे हैं। आज लंच ब्रेक में राहुल किसानों से चर्चा करेंगे। इसके लिए कई इलाकों से चुनिंदा किसान पहुंचे हैं। आज सुबह यात्रा की शुरुआत लालसोट के गोलिया गांव से होगी। राहुल के साथ सचिन पायलट के अलावा प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी साथ चले। यात्रा के पूरे रास्ते में भारी भीड़ रही। रास्ते में आने वाले घरों व सड़क के दोनों ओर महिला, बच्चे व युवाओं की भीड़ देखने को मिली। भारत जोड़ो यात्रा के लंच ब्रेक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चीन के मुद्दे पर सीएम मोदी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, सरकार चाहती है कि चाइना के मुद्दे पर मीडिया और विपक्ष आंख बंद करके बैठ जाए, क्योंकि अगर विपक्ष ने और हम आंख मूंद ली तो देश के पास कुछ नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री का चीन के मुद्दे पर मुंह बंद रहता है और जब पीएम का मुंह खुलता है तो वह चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। आज तक हम पीएम की क्लीन चिट का खामियाजा भुगत रहे हैं। चीन को अब समझ में आ गया है कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी छवि से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मानता। राहुल गांधी राजस्थान में यात्रा एंट्री करने के बाद पहली बार किसानों के साथ ग्रुप में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंचकर उनके सुझाव जानेंगे। किसानों से मिली जमीन फीडबैक के आधार पर राहुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दे सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।